पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 9 मई को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना का असर पाकिस्तान समेत भारतीय सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला। दरअसल मीडिया संगठनों से लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स इमरान खान को लेकर कई दावे चलाने लगे। ऑल्ट न्यूज ने घटना पर नजर बनाए रखते हुए देखा कि इनमें से कई दावे फर्जी हैं। इस वीडियो में हम आपको बारी बारी से ऐसे ही कुछ दावों की असलियत बताएंगे। आज तक बांग्ला ने 10 मई को जेल में बंद इमरान खान की बताते हुए ये तस्वीर पब्लिश की और टाइटल में लिखा, इमरान खान अरेस्ट, पाकिस्तान जल रहा है, जेल में इमरान के लिए क्या इंतजाम है, तस्वीरें लीक। देखते ही देखते आज तक ने भी ये तस्वीरें जेल में बंद इमरान खान की बताते हुए ट्वीट की। वहीं बाकी मीडिया आउटलेट्स NDTV, टाइम्स नाउ, नव भारत, जी न्यूज, एशियानेट न्यूज तमिल और नई दुनिया ने भी ये तस्वीरें चलाई है। लेकिन जब ऑल्ट न्यूज ने छानबीन की तो पाया कि ये तस्वीरें AI जनरेटेड है। वायरल तस्वीरों में एक्सक्लूसिव बाय मिडजर्नी का टेक्स्ट दिख रहा है। ध्यान दें कि मिडजर्नी एक AI टूल है जो डिस्क्रिप्शन के आधार पर तस्वीरें क्रिएट करता है। इसके अलावा अगर आप स्क्रीन पर दिख रही वायरल तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आप नोट करेंगे कि इमरान खान के पैरों में 7 उंगलियां हैं। वहीं इस दूसरी तस्वीर में इमरान खान के हाथ भी अलग दिखाई दे रहे हैं। यानी AI जनरेटेड तस्वीर का इस्तेमाल कर मीडिया चैनल्स ने हाल में जेल में बंद इमरान खान की तस्वीर बताकर चलाया। ये वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि लंदन में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर के बाहर लोग इमरान खान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। बहरहाल जांच करने पर ऑल्ट न्यूज को ये वीडियो नवंबर 2022 को ट्वीट किया हुआ मिला। आगे जांच करने पर हमें द प्रिंट की रिपोर्ट से ये जानने को मिला कि पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के समर्थन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग सुप्रीमो नवाज शरीफ के घर के बाहर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अविश्वास वोट के जरिए हटाने का विरोध किया जा रहा है। यानी ये वीडियो हाल में इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में किए गए प्रदर्शन का नहीं है। इस कथित डॉक्यूमेंट की तस्वीर शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि ये इमरान खान और पाकिस्तान सरकार के बीच हुए एक समझौते का डॉक्यूमेंट है। इसमें कुछ शर्तें हैं जिनके मुताबिक इमरान खान के साथ बलात्कार न होने या नंगा करके पूछताछ करने जैसी बातें बताई गई है। प्रधानमंत्री द्वारा फॉलो किए जाने वाले ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर और BJP के पब्लिक स्पीकर प्रदीप महौर ने ये डॉक्यूमेंट ट्वीट करते हुए इसे दयनीय बताया। इस संदेहजनक डॉक्यूमेंट को सोशल मीडिया पर शेयर होता देख ऑल्ट न्यूज ने इस संदर्भ में तफ्तीश शुरू की। गौर करें कि इस डॉक्यूमेंट में इंटीरियर सेक्रेटरी सचिव यूसुफ नसीम खोकर का साइन है, लेकिन उन्होंने 7 मार्च 2023 को ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं उनका नाम भी डॉक्यूमेंट पर गलत तरीके से लिखा गया है। साथ ही पाकिस्तानी फेडरल इंफॉर्मेशन एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट की नोटिस पर हमें यूसुफ नसीम खोखर की साइन मिली, जो कि इस डॉक्यूमेंट की साइन से मेल नहीं खाती है। ऐसे ही अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लॉम की साइन भी इस डॉक्यूमेंट में बताई गई साइन से मेल नहीं खाती है। इस कथित डॉक्यूमेंट पर 8 मई 2023 की तारीख है। हमने उसी दिन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई एक और नोटिस देखी। इन दोनों को कंपेयर करने पर हमने पाया कि इनके लेटर हेड का फॉन्ट अलग है और वहीं दोनों में डेट का फॉर्मेट भी अलग अलग है। पाकिस्तान स्थित न्यूज आउटलेट JioTV ने भी इसे गलत बताया था। तो जैसा कि आपने देखा, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से सोशल मीडिया पर तरह तरह के झूठे और बनावटी दावे चलाए गए और तो और मीडिया ने भी एक AI जनरेटेड तस्वीर को असली बताकर चलाया।